class 6, subject maths, topic explained in purpose. Chapter 3, date 25th September 2020, class 6, subject maths, topic playing in numbers, chapter 3. Chapter 3 के कुछ introduction देखो आप. चैप्टर 3 में क्या है? चैप्टर 3 है इसमें कि प्लेइंग विथ नंबर्स. इसमें क्या होते हैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स. फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट. अब आता है इसमें 1, 2, 3, 6 आर एग्जैक्ट डिवाइजर बाय 6. एक ये नंबर है जैसे 6 है, 6 कोई नंबर है. इसमें 6 से डिवाइड हो जाएगा, एकदम कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो इसको हम कहते हैं फैक्टर्स. इट कैन बी सेड दैट 2 एंड 3 एग्जैक्ट डिविजिबल डिवाइड 6, सो 2 एंड 3 आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 6. अदर प्रोडक्ट्स 1 मल्टीप्लाई 6 द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 6 आर 1, 2, 1 एंड 6. तो इन सबको हम कहते हैं. अब आता है फैक्टर्स होते क्या है. द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज exact divisor of that number. उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है इज लाइक 6. 6 का डिवाइजर हो गया 1, 2, 3, 6 से. तो ये होता है फैक्टर. और जो नंबर होते हैं ये नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर. जो नंबर होता है वो अपने फैक्टर का मल्टीपल होता है. वन जो होता है फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. वन जो होता है हर एक नंबर का फैक्टर होता है. वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. One is a
अक्सर हम वह जो भी नंबर होता है वो अपने बारे क्या वो खुद का एक फैक्टर होता है। उसके बाद इसमें आता है एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। एवरी फैक्टर इज है equal to the given number. Given number. Next step. Number of factors of a given number are finite. Number of factors of a given number are finite. दूसरा है एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज 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 greater than or equal to that number, greater than or equal to that number. Every number is a multiple of itself. Every number is a multiple of multiple of itself. दूसरा इसमें आता है a number for which a number for which sum of all its factors for which
equal to twice. तो ये कंपोजिट नंबर होते हैं कुछ, इसमें जो प्राइम नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर है ये जो होते हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर कौन सा होता है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सबसे ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है कैसे निकालते हैं किसी नंबर का। उसके बाद इसमें आता है इवन नंबर, ओड नंबर है,
ये नंबर नंबर्स बी चार्टिंग की टोटल फाइव इवन नंबर हो गया एच ओ नंबर्स हो गया कोड नंबर टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू इज कोड एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू इज कोड दो को छोड़कर है जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सभी कोड नंबर होते हैं every prime number except to is code except जैसे 44 को टू ऑड प्राइम नंबर्स के रूप में लिखना है सपोज करो जैसे क्वेश्चन कोई आ गया फैक्टर्स ऑफ 36 जैसे 44 को टू ऑड प्राइम में लिखना है ऑड नंबर भी प्राइम में नहीं तो लिख दो 3 प्लस 41 हो गया फैक्टर्स ऑफ अगर हमें निकालना है 36 का सपोज करो इसी फैक्टर निकालना है आप कैसे निकालेंगे इसे सबसे पहले तो हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 36 18 मल्टीप्लाई 2 36 12 मल्टीप्लाई 3 36 9 मल्टीप्लाई 4 36 6 मल्टीप्लाई 6 36 तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है तो फैक्टर्स क्या हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 36 किससे वो डिवाइड होगा फैक्टर्स ऑफ
are 36 are class 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 9, 12, 18, 36. 9, 12, 18, 36. Yo, we are 36 to have. In such a डिवाइड करेंगे 36 नहीं तो वो बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। तो ये तो है हमारा फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला, और ये वो प्राइम टू आ जाए तो ऐसे लिखना है। इसके बाद है कौन कौन से नंबर है जो टू से डिविजिबल है, थ्री से डिविजिबल है। टू से वे नंबर डिविजिबल है, कौन कौन से नंबर डिविजिबल है। टू से डिविजिबल किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, अगर वो 3 से डिवाइड है तो 3 से डिविजिबल है। वो से डिविजिबल के लिए क्या रूल है, द नंबर्स एच यूनिट प्लस डिविजिबल बाई मैंने दो टेंस तक का देंगे, यूनिट टेंस का। फाइव से डिविजिबल कौन होता है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, जीरो या वो फाइव से डिविजिबल होगा। सिक्स से कब डिविजिबल होगा, जो अब टू और थ्री से डिवाइड है वो सिक्स से डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट आता है उसमें एक्स से डिविजिबल कब होगा, नंबर्स वाले को देखें, फिर देखेंगे कि वो एक्स की डिविजिबल है कि नहीं। नाइन से डिविजिबल सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय थ्री, नाइन सम ऑफ नंबर है।
एन से क्या होगा, एन से थोड़ी होता है एक इनकी प्लेस से क्या होना चाहिए, इलेवन से नंबर एक सम ऑफ है है, उनको प्लस करेंगे, प्लस करके इवन और ओड वाले को माइनस करेंगे, माइनस करने पे जो आ जाए अगर वो 11 से डिविजिबल है, वो 11 से डिविजिबल है, 7 वाले मोस्टली कम होते हैं, वो तो 7 के टेबल से डिवाइड करके देखते हैं। अब किसी भी नंबर का एलसीएम लेना हो तो प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर करके करते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा भी होता है और एचसीएफ डिवीजन मेथड के द्वारा भी होता है, दोनों मेथड से हो सकता है किसी भी नंबर का। अगर हमने एचसीएफ और एचसीएफ किसी भी नंबर का लिए तो वे आराम से प्राइम फैक्टर मेथड से भी हो सकता है। जैसे मान लो कि अभी हमने प्राइम फैक्टर निकालना है तो आपको ऐसे करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है 2 से, तो एक का तो फैक्टर हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया, इसी तरह से प्राइम फैक्टर निकालते हैं और इस तरह में एचसीएफ एलसीएम जो भी आ जाए इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है होता है, अगर आ जाए फाइव स्मॉलेस्ट नंबर है तो इसका मतलब है कि हमें उसका एलसीएम निकालना है, फाइव ग्रेटेस्ट आ जाए लार्जेस्ट आ जाए तो उसका हमें एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एलसीएम डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये 3 चैप्टर में बस यही सारा है, आप पहले से पढ़े होंगे फिर भी आप एक बार इनको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, इंट्रोडक्शन अगर किसी ने अपनी कॉपी में नोट नहीं कराया तो वे जरूर करेंगे और बाकी जो समय सभी आप अच्छी तरह रिवाइज करेंगे तब आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।